दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे रखा जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, किन किन चीज़ों को फॉलो किया जाए ताकि हमारी हड्डियां जो हैं उम्र बढ़ने के साथ भी मजबूत और हेल्दी बनी रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ हमारी इस वीडियो में अंत तक। हड्डियाँ हमारे शरीर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये जितना ही ज़्यादा मजबूत रहेंगी आप उतना ही ज़्यादा स्वस्थ और फिट रहेंगे। दोस्तों आजकल हड्डियों के कमज़ोर होने की समस्या बड़ों में ही नहीं बच्चों में भी देखी जा रही है। तो उसका मुख्य कारण है कि दोस्तों माता पिता के द्वारा बच्चों के खान पान का ध्यान ना रखा जाए। हम बच्चों की जिद के चलते उनको फास्ट फूड जंक फूड खिलाना ही प्रेफर करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी हड्डियाँ बहुत ही कम समय में कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों महिलाओं में भी मेनोपॉज के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। इसी के साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ भी हड्डियों से जुड़ी कई समस्याएँ होने लगती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस। भारी गतिविधियों से भी शरीर के हड्डियों की मजबूती और हड्डियों का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने आहार और दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है या कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाना है जिससे आपकी हड्डियां उम्र बढ़ने के साथ भी मजबूत और स्वस्थ बनी रहें। तो वो क्या है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं अपनी इस वीडियो में। अपने दैनिक आहार में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, इन सभी को जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि इनमें खूब सारा कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, जो कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अपने आहार में गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां और ब्रोकली, इन सभी को शामिल करना मत भूलिए, क्योंकि ये एक विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है, जो आपके शरीर के अंदर हुए विटामिन डी की कमी को पूरा करके आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने में आपकी काफ़ी मदद करता है। अगर हो सके तो हफ्ते में 3 से 4 बार इन सब्जियों को अपने आहार में जरूर शामिल कीजिए और बच्चों को भी ये जरूर खिलाइए ताकि उनकी हड्डियाँ भी मजबूत और स्वस्थ बनी रहें। चाय या कॉफ़ी का सेवन जितना जल्दी हो सके कम कर दीजिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आदत पड़ गई है तो धीरे धीरे करके इसमें कमी कीजिए, क्योंकि चाय या कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जो कि कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आदत है तो दिन में सिर्फ 1 या 2 कप से ज़्यादा इसका सेवन ना करें। खाने में लहसुन और प्याज को शामिल करें, क्योंकि लहसुन और प्याज में सल्फर पाया जाता है, जो आपके हड्डियों की हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा लहसुन और प्याज खाने के और भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अगर आपको लगता है कि खाने से आपको पूरा पोषण नहीं मिल रहा है तो आप सप्लीमेंट्स या जड़ी बूटी का सेवन कर सकते हैं, पर इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर ले लीजिए। हर रोज धूप में कुछ देर जरूर बैठे। धूप शरीर को विटामिन डी का उत्पादन करने में मदद करती है। इसके बिना हमारा शरीर ठीक से खाद्य पदार्थों से कैल्शियम का अवशोषित नहीं कर सकता है, इसलिए रोज सुबह जल्दी उठें और सूरज की हल्की धूप में केवल 10 मिनट समय का व्यतीत जरूर करें। इससे आपके शरीर में विटामिन डी का स्तर बढ़ने लगेगा, जो आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए और आपकी हेल्थ के लिए दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर आप किसी भी तरह की स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो अपनी इस आदत को आप तुरंत ही छोड़ दीजिए, क्योंकि रिसर्च के अनुसार यह शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने से रोकती है। इस तरह यह हड्डियों और डेंसिटी में कमी का कारण बनता है, इसलिए हड्डी के साथ साथ हृदय और फेफड़ों के रोगों से बचने के लिए भी आप अपनी इस आदत को तुरंत ही छोड़ दें। खेलने कूदने के लिए आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। हो सकता है खेलने कूदने से थोड़ी थकावट जरूर महसूस हो सकती है, लेकिन खेलने कूदने से हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। यदि आप जवान हैं और हमेशा हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो आज से ही खेल कूद में हिस्सा लेना शुरू कर दीजिए। अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को जरूर शामिल करें, चाहे शुरुआत केवल 10 मिनट से करें। इसके लिए आप हल्का फुल्का योग कर सकते हैं, चाहे तो सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डांसिंग या वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। ये सभी हड्डियों को मजबूती प्रदान करती हैं और आपकी हड्डियाँ लंबे समय तक मजबूत बनी रहती है और आपका शरीर चुस्त और फुर्त रहता है।
अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं तो प्लीज़ इसे कम कर दीजिए, क्योंकि इसके ज़्यादा सेवन करने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और इनसे कैल्शियम गलने लगता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप अगर हमसे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या वीडियो से जुड़ी जानकारी या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या हमें बताना चाहते हैं हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, या हमें कोई सुधार करने की ज़रूरत है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऐसी किसी हेल्थ और ब्यूटी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।